कोई जवाब तुम्हारे पास? क्यों कर रही है तुम्हारी मम्मी इतना सब? क्यों मांग रही है उस इंसान की लंबी उम्र और सलामती की तुम्हारे, जिसने हमेशा तुम्हारी पत्नी का अपमान किया? तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तुमने अंतरिक्ष उनका सगा बेटा है। बोलो है कोई जवाब तुम्हारे पास? रुद्र के पास नहीं, पर मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है निहारिका। इस जलती हुई आग में मैंने गलती से अंतरिक्ष को रुद्र समझ लिया और गलती से ही मैंने अंतरिक्ष को बचा लिया। रुद्र, तुम्हें उस जलती हुई आग से बचाया तुम्हारे पापा ने। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या का फल मुझे मिल गया। तुम्हारे पापा की आंखों में अपने बेटे के लिए इतना सारा प्यार देखकर मुझे इस दुनिया के सारे सुख मिल गए। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन होई माँ की पूजा, जलता हुआ दिया हाथ पे रखकर आप किसकी सलामती की दुआ मांग रही? अपने कुलदीपक की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। अगर अंतरिक्ष को कुछ हो जाता तो दोष किस पर आता? मेरे रुद्र पर ही ना। सजा होती तो किसे होती? रुद्र को ही ना। बस इसी कारण मैं अंतरिक्ष की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी और इस प्रार्थना के पीछे अपने बेटे के लिए प्यार था मेरे दिल में और कुछ नहीं। रुद्र, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हम रायजादा परिवार से झगड़ा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो परिवार हमें अपनाए। तो फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? बेटा, मुझे हर बार अपने किए के लिए कटघरे में क्यों खड़ा रहना पड़ता है? क्यों ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है? तुम अपने आप को अपनी माँ का भक्त कहते हो ना, अपनी माँ को भगवान मानते हो ना बेटा, तो फिर अपनी माँ से ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? ऐसा करते हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। और अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा, मैं अब थकने लगी हूँ, मैं ये इल्जाम नहीं सह पाती। देखो बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातें गलत हैं, तो ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूं। और वैसे भी अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हें प्यार करने वाली तुम्हारी लाडली पत्नी है। माँ प्लीज, माँ आप मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती? माँ इस पल के बाद आपको किसी भी बात को लेकर मेरे मन में कोई सवाल नहीं उठा और ना ही निहारिका आपसे कोई सवाल पूछे। माँ अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी ना, तो मैं उस तक नहीं करूं, कोई सवाल नहीं पूछूं। माँ निहारिका भी आपसे माफी मांगी। निहारिका माँ से माफी मांगो, निहारिका माँ से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए।